नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। हम लोग NCERT हिस्ट्री के सीरीज में क्लास सेवेंथ को डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवेंथ के थर्ड चैप्टर यानी तीसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे, जिसका कि शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। देखिए, इसके पहले के अध्याय में यानी कि दूसरे अध्याय में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे क्षेत्रीय राज्य सामने आने लगे, यानी कि नए नए राज्य, नए नए लोग अपने अपने जो है राजवंश कैसे स्थापित करने लगे थे। लेकिन हम लोगों ने दिल्ली के विषय में कुछ खास नहीं पढ़ा था। दिल्ली के विषय में इतना ही पढ़ा था कि चौहानों का राज्य क्षेत्र था अजमेर और दिल्ली। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दिल्ली एक केंद्र बन गया, शासन का केंद्र बन गया पूरे उपमहाद्वीप में, पूरे देश में, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली एक केंद्र बना लगभग 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं सदी में दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा। सबसे पहले दिल्ली पर शासन था तोमर राजाओं का। अब क्या हुआ कि चौहान जो कि अजमेर में शासन करते थे, उन्होंने तोमरों को हरा दिया और दिल्ली पर भी अपना एक तरीके से नियंत्रण कर लिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 12वीं सदी के आसपास तोमर और चौहान राजाओं ने मिलकर क्या किया, दिल्ली को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनवाया। इसी समय क्या हुआ कि दिल्ली में समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा अगर आप दिल्ली की बात करें 12वीं-13वीं सदी में, तो यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के ढाले जाते थे जो उस समय काफ़ी प्रचलन में थे। तो इतनी जानकारी आप दिल्ली के विषय में रख सकते हैं 12वीं-13वीं सदी के आसपास के बातों में। ठीक है, अगर आप 13वीं सदी के आरंभ की बात करें, तो 13वीं सदी के आरंभ में स्थापना होती है सल्तनत की, तब यहाँ जो है सुल्तान का शासन शुरू होता है। और इसी समय दिल्ली क्या होती है, एक ऐसे शासन की या एक ऐसे शासक की राजधानी बनती है जिसका नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप पर है। तो पहली बार 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली ऐसे शासन की राजधानी बनी जिस शासन का नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप पर था। तो इतना आपको दिल्ली के विषय में याद रखना है। आइए अब जो है जो टॉपिक है उसके अनुसार पढ़ते हैं। यहाँ देखिए तालिका दी गई है दिल्ली के शासक के विषय में, इसे पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तोमर राजाओं का जो है राज्य रहा आरंभिक 12वीं सदी से 1165 तक, जिसमें अनंगपाल एक महत्वपूर्ण शासक हुए। 1130 से 1145 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद 1165 में तोमर राजाओं को चौहानों ने हरा दिया, तो चौहानों ने दिल्ली पर शासन किया 1165 से 1192 तक। इसमें जो है पृथ्वीराज जो है चौहान 1175 से 1192 तक किए हैं, ये एक महत्वपूर्ण शासक हुए चौहान वंश के। अब शासन शुरू होता है तुर्की वंश का। तो प्रारंभिक तुर्की शासक के विषय में बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। कुल मिलाकर 1290 तक तुर्की शासकों का क्या हुआ था, शासन चला था। इसके बाद आ गया खलजी वंश 1290 से 1320 तक है, जिसमें जो है दो महत्वपूर्ण शासक हुए, जलालुद्दीन खलजी जो 1290 से 1296 हैं और अलाउद्दीन खलजी जो 1296 से 1316 हैं। इसके बाद है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक हुए। इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक थे 1320 से 1324 तक, मोहम्मद तुगलक थे 1324 से 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक थे 1351 से 1388 तक। इसके बाद आते हैं सैयद वंश 1414 से 1491 तक हुए। इसमें जो है खिज्र खान एक महत्वपूर्ण शासक हुए जो कि 1414 से 1421 तक शासन किए। अब अंत में आते हैं लोदी वंश का समय बताया जा रहा है 1451 से 1526 तक, जिसमें से बहलोल लोदी एक महत्वपूर्ण शासक थे जो 1451 से 1489 तक शासन किए। तो इतना जो है इस तालिका के विषय में बताया जा रहा है। एक दो बार अगर आप तालिका को देख लेंगे अच्छे से, तो आपके ध्यान में लगभग ये आ जाएगा कि किसके बाद कौन आया। तो उसको बस तालिका को एक दो बार देख लीजिएगा। अब अपना पहला टॉपिक है कि दिल्ली के सुल्तानों के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है। हम लोग इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने इस बात को समझा कि किसी भी मतलब पहले के समय के जानकारी के लिए अभिलेख का, सिक्कों का, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला का
जो है उपयोग किया जाता है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कैसे पहले का समय कैसा था, उस समय में क्या क्या काम होता था, शासक कैसे होते थे। तो ये जो दिल्ली के सुल्तान हुए, इनके विषय में भी जानकारी हमें अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य कला से मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तारीख या तवारीख। देखिए, तारीख या तवारीख का मतलब है वे इतिहास जो इनके शासनकाल में लिखा गया। अब यहाँ तारीख का मतलब है एक वचन, तवारीख का मतलब है बहुवचन। तो जब भी तवारीख शब्द आएगा आप समझ लीजिएगा इनके इतिहास की बात की जा रही है। तो इन शासकों ने क्या किया, अपने इतिहास को खास कर लिखवाया, जिसे तारीख या तवारीख के नाम से जाना जाता है। तो यह तवारीख आजकल क्या है, बहुत ही अच्छा स्रोत है इनके विषय में, इनके शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करने की। और यह लिखी किस भाषा में गई है, तो उस समय के प्रशासन की भाषा थी फारसी, तो फारसी में ही तवारीख की रचना की गई है। इतना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस समय के प्रशासन की भाषा क्या थी या तवारीख की रचना किस भाषा में हुई है, तो आपको याद रखना है फारसी भाषा में, ठीक है। चलिए, अब ये जो तारीख या तवारीख होते थे इसके लेखक कौन होते थे, तो लेखक होते थे सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी। कहने का मतलब राज्य में जो पूरी तरह से सुशिक्षित लोग थे वही इसके लेखक होते थे, इसको लिखते थे, ये बात यहाँ बताया जा रहा है। और साथ ही ये जो लोग होते थे सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी, ये लोग शासक को यानी कि राजा को प्रशासन से संबंधित सलाह भी देते थे, यानी न्याय संगत शासन पर बल देते थे कि कैसे शासन अच्छे से चलाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक चीज़ दी गई है कि कैसे पांडुलिपि को तैयार किया जाता था। इसके चार चरण थे। सबसे पहला चरण था कि कागज़ तैयार करना, दूसरे चरण में लेखन कार्य किया जाना, तीसरे चरण में जो लेखन कार्य किया जाएगा, जैसे आज हम लोग एक पेज लिख लेते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है उसे हाईलाइट कर देते हैं, तो पहले के समय में क्या होता था कि उसी तरह महत्वपूर्ण शब्दों को या अनुच्छेदों को दिखाने के लिए सोना पिघलाकर उस पर चढ़ा दिया जाता था, जिससे कि दूर से या उस पेज को देखते ही आप समझ जाए कि कौन सी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे अंत में जिल्द तैयार करके उसको एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता था, सुरक्षित कर दिया जाता था। तो ये कुछ तरीका है पांडुलिपि तैयार करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक न्याय चक्र के विषय में बताया गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। न्याय चक्र का मतलब क्या है, देखिए, राजा का काम जो एक 13वीं सदी के इतिहासकार हुए फख्र ए मुदब्बिर, उन्होंने लिखा है कि राजा का काम यानी शासक का काम बिना सैनिक के नहीं चल सकता। अगर सैनिक रखना है तो आपको पैसे की ज़रूरत है, राजस्व की ज़रूरत है। आप राजस्व किससे एकत्रित करेंगे, किसान से एकत्रित करेंगे। किसान राजस्व कब दे पाएगा, जब वह खुशहाल होगा, अच्छे से खेती करेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो भी राजा हो, शासक हो, वह अपने राज्य के, अपने शासन के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों पर ध्यान दे, यानी किसानों पर ध्यान दे, ताकि किसान अगर खुश रहेंगे तो वे कर देंगे और फिर उससे राजा का सारा सिस्टम चलेगा। ये इसे कहते हैं न्याय चक्र, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि जो ये तवारीख के लेखक हुआ करते थे, ये इनके विषय में कुछ बातें हैं। पहली बात दी जा रही है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, और नगरों में कहाँ, खासकर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में शासक रहते थे तो उन्हीं के आसपास ये लोग रहते थे। ये जो तवारीख लिखते थे यानी इतिहास लिखते थे, ये क्यों लिखते थे, ताकि शासक से कुछ इनको लाभ मिले, कुछ जो है इनाम मिले। अब आप समझ सकते हैं, किसी के इनाम पाने के लिए अगर कोई कुछ लिखे तो जाहिर सी बात है उसमें उसकी बड़ाई ही करेगा। तो इससे आपको इतना अनुमान तो लग ही जा रहा होगा कि जो ये तवारीख हैं, तवारीख में सब कुछ सच सच नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई की गई होगी जो भी उस समय के शासक होते होंगे। उसके बाद ये लेखक अक्सर जो राजा हुआ करते थे शासक, उनको जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। देखिए, यानी कि ये कैसा कॉन्सेप्ट बताते थे, ऐसा बताते थे कि आपके शासन में जो भी लोग किसी पद पर है उसे उसी पद पर बने रहने दीजिए, यानी जन्म सिद्ध अधिकार। कहते थे कि आप शासक हैं तो ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपने जन्म के आधार पर इसे पाया है, अब आपका जो पुत्र होगा वो शासक बनेगा। वैसे ही आपके शासन में जो अच्छे अच्छे पद पर लोग हैं, कुलीन हैं,
उनके परिवार में जो अगला व्यक्ति जन्म लेगा वही उस पद पर आएगा, यानी कि ऐसे व्यवस्था को बताते थे कि जन्म सिद्ध अधिकार है यह काम। उसके बाद लिंग भेद के विषय में भी बताते थे, स्त्रियों और पुरुषों में हमेशा ये लोग क्या करते थे, एक मतलब लिंग भेद करते थे, कहते थे कि स्त्रियाँ हमेशा पुरुषों से कमजोर है, उस इसलिए उसको कोई अच्छा पद ना दिया जाए, किसी विशेष पद पर ना रखा जाए। लिंग भेद की बात आई है इसलिए यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे देखिए कि 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया और वह सिंहासन पर बैठी 1236 में। इसके विषय में मिन्हाज ए सिराज जो कि एक इतिहासकार थे उन्होंने यह स्वीकारा है कि जो रजिया थी अपने सभी भाइयों में क्या थी, सबसे मतलब एक तरीके से योग्य थी, सक्षम थी, फिर भी खुद मिन्हाज ए सिराज उसको रजिया को क्या करते थे, स्वीकार नहीं कर पाते थे शासक के रूप में, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल फिक्स थी कि अगर कोई शासक होगा तो मर्द ही होगा, पुरुष ही होगा, यह स्त्री कैसे शासक बन सकती है, यह महिला शासक कैसे बन सकती है। मिन्हाज ए सिराज के अलावा दरबार में रहने वाले सभी लोगों को भी यह बात पसंद नहीं थी कि एक महिला हमारे दरबार की शासक बने। तो अंततः 1240 ईस्वी में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। आगे मिन्हाज ए सिराज ने क्या कुल बातें कही हैं उसके विषय में जो है एक पैराग्राफ में दिया जा रहा है कि मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। देखिए ये सोच है किसकी, मिन्हाज ए सिराज की। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के लोग कैसे सोचते थे। अब मिन्हाज ए सिराज लिखते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। देखिए यानी कि इस सेंटेंस से, इस वाक्य से यह जाहिर होता है कि मिन्हाज ए सिराज को यह पूरी तरह पता है कि रजिया योग्य है, सक्षम है, फिर भी सिर्फ स्त्री होने की वजह से, सिर्फ महिला होने की वजह से उसको शासक नहीं बनाया जा सकता या कोई फायदा नहीं है उसके इस योग्यता और सक्षमता की, ये बातें बताई गई हैं। आगे कुछ दो जो है महिला शासकों के विषय में बताया जा रहा है। आज का जो आंध्र प्रदेश है उसका क्षेत्र है वारंगल, वहाँ पर काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की एक रानी थी रुद्रमा देवी, उसने शासन किया और उसने अपना नाम पुरुषों की तरह लिखवाया, यानी कि अपने क्षेत्र में यह भ्रम फैलाया कि मैं पुरुष हूँ और पुरुष बन के शासन करती हूँ। एक और महिला थी कश्मीर में थी रानी दिद्दा, ठीक है, इन्होंने भी अपना जो है एक तरीके से कश्मीर में शासन किया, महिला शासन किया, इनका नाम दिद्दा कहा जा रहा है कि दिद्दी से निकला हुआ है, तो इनके प्रजा ने शायद स्नेह से दिद्दी को दिद्दा बना दिया होगा क्योंकि पुरुष जो है पुरुषवादी समाज था, पुरुष को जो है हमेशा लोग देखना चाहते थे कहाँ, शासन में शासक के तौर पे, तो महिला को उस तरीके से नामांकित कर दिया गया। अब अपना अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए गैरिसन शहर का मतलब होता है जहाँ सिपाही रह रहे हैं। देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मान लीजिए ये एक शहर है, इस शहर में एक इलाका ऐसा होगा जिसे आज आप छावनी के रूप में जानते हैं सेना के, उसी तरह एक इलाका ऐसा होगा जहाँ सिर्फ सेना रहेंगे, तो इसे कहेंगे हम गैरिसन शहर, ठीक है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पहले जो दिल्ली सल्तनत थी वह सिर्फ गैरिसन शहर तक ही थी। 13वीं सदी के आरंभिक वर्ष में जब हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा कि सल्तनत की स्थापना हुई, तो स्थापना तो हो गई थी लेकिन इनका पहुंच बहुत दूर तक नहीं था, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी इनकी पहुंच नहीं थी, इनकी पहुंच सिर्फ अच्छे से थी इसी गैरिसन शहर तक जहाँ ये रहते थे और इनके सिपाही रहते थे, ये बातें यहाँ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भीतरी प्रदेशों पर भी इनका नियंत्रण नहीं था। यहाँ भीतरी प्रदेश का मतलब है मान लीजिए ये एक शहर हुआ, तो ये हो गया आपको जो जहाँ सैनिक रह रहे हैं, ये कौन सा जगह हो गया, ये हो गया गैरिसन शहर, और ये सब जो इलाका हो गया ये है भीतरी प्रदेश। तो बताया जा रहा है कि इनका नियंत्रण भीतरी प्रदेश पर भी अच्छे से नहीं था, यानी उस शहर पर भी अच्छे से नहीं था। अब मान लीजिए कि ये शासक हैं, शहर पर भी अच्छा इनका नियंत्रण नहीं है, तो किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, शहर में जाएंगे, इनको व्यापार करना होगा, व्यापार करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो ये क्या करेंगे, लूट मार करेंगे, तो इन सब तरीक़ों से इनका शासन चलता था। तो ये बात है दिल्ली की।
दिल्ली में ऐसा है। दिल्ली के अलावा अगर दूर के क्षेत्रों की बात करें तो बंगाल और सिंध की बातें बताई जा रही है कि बंगाल और सिंध में तो और मामला ख़राब था। बंगाल में क्या था कि तुरंत तुरंत जिसको मौका मिलता था वहीं विद्रोह कर देता था, बगावत कर देता था। उसके बाद जो है अगर बात करें सिंध की, तो सिंध में भी ऐसी ही मतलब ऐसा ही मामला था और सिंध से तो डर था कि अफगानिस्तान का भी ना हमला हो जाए। देखिए ये है दिल्ली, इधर आ जाइए बंगाल और इधर आ जाइए सिंध। आप मैप को याद कीजिए इंडिया के तो आपको पता चलेगा। तो क्या है कि यहाँ बंगाल में भी इनको डर है, इनका शासन अच्छे से नहीं चल रहा है। सिंध में इनको तो डर है ही, लेकिन इधर से अफगानिस्तान के हमला का डर है कि अफगानिस्तान से कब कोई हमला कर दे। ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही है कि कैसे शुरुआत में सल्तनत की स्थापना तो हुई लेकिन इनका नियंत्रण काफ़ी कमज़ोर था। इनका विस्तार हुआ है, इनके विस्तार के विषय में बताया जा रहा है कि तीन शासकों का नाम बताया जा रहा है। देखिए गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन का काल रहा है 1266 से 1287 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी का 1296 से 1316 तक। उसके बाद मुहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। इनके शासनकाल में, इनके राज्यकाल में सल्तनत का आप कह सकते हैं सुल्तानों के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, राज्य का विस्तार हुआ है। अब इस विस्तार को हम समझेंगे दो चरण में। विस्तार दो चरण में हुआ। सबसे पहला चरण था भीतरी सीमाओं में। अभी हम लोगों ने देखा ये शहर है, यहाँ रह रहे हैं सैनिक तो इसे कहेंगे गैरिसन शहर, और बाकी का जो क्षेत्र है उसे भीतरी प्रदेश। तो सबसे पहले तो ज़रूरत थी कि जहाँ जिस शहर में हमारा जो है मतलब गैरिसन शहर है, हम रह रहे हैं, उस पर हमारा नियंत्रण हो। तो पहला विस्तार किया गया अपने शहर के सीमाओं में, भीतरी सीमा में। देखिए भीतरी सीमाओं में क्या किया गया कि भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने की व्यवस्था की गई। जैसे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, गंगा यमुना का जो दोआब था वहाँ बहुत सारे जंगल थे, तो जंगलों को काट दिया गया। जंगलों को काट कर जंगल में रहने वाले जो लोग थे उन्हें भगा दिया गया और वो जगह किसानों को दे दी गई कि किसान अब इस पर खेती करेंगे तो हम उनसे कर वसूलेंगे और कर से क्या होगा, राज्य अच्छे से चलेगा। तो ये एक कदम था। इसके अलावा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया गया और व्यापार मार्ग पर क्या किया गया, सुरक्षा देने के लिए और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए शहर बसाए गए, किले बनवाए गए। तो ये कुछ तरीके थे भीतरी प्रदेशों पर या भीतरी सीमा पर नियंत्रण स्थापित करने के। अगले चरण में बात की गई बाहरी सीमा की। बाहरी सीमा का मतलब हुआ मान लीजिए कि उत्तर भारत के इतने क्षेत्र पर मेरा नियंत्रण है, अब मैं इसको दूसरे प्रदेशों तक फैलाऊंगा, यानी दक्षिण की तरफ जाऊंगा, सुदूर उत्तर पूर्व की तरफ जाऊंगा, कुछ जंगली इलाका है वहां जाऊंगा। तो ये सब तरीका हुआ बाहरी प्रदेश में अपना नियंत्रण बढ़ाने का। इसमें बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया दक्षिण भारत की तरफ, लेकिन मुहम्मद तुगलक के समय यह अभियान काफ़ी चरम पर था, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि शुरुआत के दिनों में दिल्ली सल्तनत की सेना काफ़ी कमज़ोर भी थी, जब गैरिसन शहर तक ही उनकी पहुंच थी, लेकिन तुगलक के समय क्या हुआ कि एक विशाल क्षेत्र पर जो है इनका नियंत्रण रहा और इसने अपने सेना को भी काफ़ी मजबूत बनाया। बताया जा रहा है कि देखिए सेना में हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातु ये सभी सम्मिलित किए गए, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही है। यहाँ एक चित्र में आपको बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे दक्षिण भारत के अभियान पर निकले थे, कहाँ कहाँ उन्होंने अभियान चलाया। आगे हम लोग पढ़ते हैं और अगला टॉपिक से पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मस्जिद के विषय में। यहाँ कुछ जो है इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, उसे ध्यान रखने की चीज़ है, आइए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। मस्जिद के विषय में बताया जा रहा है कि मस्जिद एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुस्लिम लोग बैठकर अपना अल्लाह की आराधना करे, सजदा में अपना मतलब मत्था टेके। जामा मस्जिद के विषय में बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा मस्जिद है जहाँ एक साथ बहुत सारे मुस्लिम लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के इस क्रम में एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें इमाम कहा जाता है। इमाम वे होते हैं जो पूरे मतलब उस समुदाय में, पूरे उस समाज में सबसे ज़्यादा सम्माननीय हो और विद्वान पुरुष हो। वे क्या करते हैं, शुक्रवार के दिन वे धर्मोपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, जिसे खुतबा कहा जाता है। तो देखिए ये सब कुछ वर्ड है, जैसे खुतबा, खुतबा का मतलब क्या हुआ, धर्म से संबंधित जो उपदेश दिया जाता है उसे खुतबा कहते हैं। अब देखिए नमाज पढ़ने के दौरान मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अपना सर, अपना मुंह जो है मक्का की तरफ करते हैं। भारत से मक्का की दिशा है पश्चिम की ओर, तो भारत में जो मुस्लिम लोग
नमाज पढ़ेंगे वह किस तरफ, पश्चिम की तरफ, और मक्का की ओर की दिशा को कहते हैं किबला। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, किबला किसे कहते हैं, मक्का की ओर की दिशा को, भारत से कहाँ है, पश्चिम की तरफ। खुतबा का मतलब क्या होता है, धर्म से संबंधित दिया गया उपदेश जो कि इमाम देते हैं शुक्रवार को नमाज के दौरान, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक है कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसी थी। आप जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए अच्छे प्रशासक की ज़रूरत होती है, अच्छे सूबेदार की ज़रूरत होती है, तो ये सभी एक ज़रूरत की चीज़ थी। लेकिन आरंभ में जो सुल्तान हुए, यानी आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश के विषय में बताया जा रहा है कि इनको सूबेदार और प्रशासक पर मतलब विश्वास नहीं हो पाता था। अब सूबेदार किसको बनाए, तो जो हमारा राज्य क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, कुलीन लोग होंगे, उनको ही बनाया जाएगा। लेकिन इनको विश्वास नहीं था कि ये अच्छे पद पर होंगे तो हमारा शासन अच्छे से चलेगा। तो शुरुआती समय में क्या हुआ कि आरंभिक सुल्तानों ने अपने प्रशासन के ऊंचे पदों पर या अच्छे पदों पर लोगों को रखने के लिए गुलाम को खरीदना शुरू किया, यानी गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त की गई। देखिए, गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दिया जा रहा है, पूछा जा सकता है। गुलाम को स्पेशली सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उसके बाद उसे काफ़ी अच्छे से प्रशिक्षित किया जाता था ताकि वह आगे अच्छे अच्छे पदों पर काम कर सके। आपने गुलाम के विषय में देखा होगा, कटप्पा किस मूवी में था, ये कौन सी मूवी आई थी, हाँ बाहुबली मूवी आई थी, तो बाहुबली में आपने देखा था कटप्पा को। एक और मूवी आई थी जिसमें गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का कोई एक, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। तो ऐसे गुलाम होते थे कि गुलाम पर काफ़ी विश्वास किया जा सकता था। मान लीजिए गुलाम को कहीं दूर देश से बचपन में ही खरीद कर ले आया और सुल्तान के देखरेख में उसे पाला गया, उसे प्रशिक्षित किया गया, तो वह क्यों विश्वासघात करेगा, उसके विश्वासघात करने का कोई रीज़न ही नहीं बचता। कोई भी विश्वासघात करता है अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन ऐसे गुलाम का तो कोई मतलब उस तरीके का होता ही नहीं था परिवार समाज, वह सिर्फ सुल्तान के साथ होता था, सुल्तान की बात को मानता था। इसलिए ये जो मतलब गुलाम होते थे, बंदगा होते थे, ये काफ़ी विश्वसनीय होते थे और आरंभिक सुल्तान जो है इन्हीं का प्रयोग करते थे। देखिए क्या हुआ कि आगे हम बढ़ते हैं। अब आपने सुना कि सुल्तान क्या करते थे, इनका गुलामों का प्रयोग करने लगे अच्छे अच्छे पदों पर। इसके साथ ही जब खलजी और तुगलक शासक आए तो इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को, जिन्हें आश्रित कहा जाता था, आश्रित का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर हो उसे आश्रित कहते हैं। तो जो ये निम्न वर्ग के लोग थे समाज में, वहाँ से कुछ अच्छे लोगों को उठाकर ऊँचे ऊँचे राजनीतिक पदों पर बिठाने लगे। अब देखिए, एक तो पहले से ही गुलामों को खरीद कर आप अच्छा पद दे रहे हैं, दूसरा खलजी और तुगलक शासक ने क्या किया, नीचे से यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को अच्छे अच्छे राजनीतिक पद पर बिठाने लगे। इससे परेशानी होने लगी, राजनीतिक अस्थिरता आने लगी। क्यों, क्योंकि जो इस समाज में, इस साम्राज्य में उच्च वर्ग के लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आया कि हमारे रहते निम्न वर्ग के लोगों को वहाँ बिठाया जा रहा है। दूसरा, जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे, तवारीख के लेखक कौन होते थे, वो भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको भी यह पसंद नहीं आया कि निम्न वर्ग के लोगों को वहाँ बिठाया जा रहा है। अब चूंकि जो सुल्तान होते थे वे निम्न वर्ग के लोगों को इसलिए लेते थे, यहाँ साइकोलॉजिकल मैटर था पूरा, कि नीचे के लोगों को अगर मैं उठाकर अच्छे पदों पर रखूँगा तो वो ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई अच्छा पद मिला ही नहीं। अगर डायरेक्टली उनको अच्छे पद पर मैं बिठाता हूँ तो उनके दिमाग में ये सोच बैठ जाएगी कि ये शासक तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसने नीचे ध्यान देकर हमें काफ़ी अच्छे पद पर बिठाया है। तो ये फायदा लेना चाहते थे सुल्तान। लेकिन अब क्या था, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो तवारीख के लेखक थे, तो ऐसे कुछ लोग उस समय के जो मतलब सामंत के कैटेगरी में जो आते थे, इन सभी को परेशानी होने लगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, आगे एक बात और बताई जा रही है कि जो ये अब निम्न वर्ग के लोग होते थे, मतलब जो आश्रित लोग होते थे और गुलाम होते थे, इनकी एक खास फीचर्स थी कि ये अपना समर्पण सिर्फ सुल्तान के प्रति देते थे और उसी सुल्तान के प्रति जिसने इन्हें उस पद पर रखा या वहाँ लाया। अब क्या होता था कि कुछ समय बाद इस सुल्तान का समय ख़त्म, इनका पुत्र जो है नया सुल्तान बनेगा, तो इस सुल्तान ने जिस जिस निम्न वर्ग के लोगों को या गुलामों को रखा था, इनकी वफादारी सिर्फ इसी के प्रति है, इसके प्रति है ही नहीं, नए राजा के प्रति नहीं है।
तब नया राजा क्या करेगा, अपना फिर से नया गुलाम खरीदेगा या नया अधिकारी बिठाएगा। अब पहले से ही शासन में ये सारे अधिकारी हैं और ये नए अधिकारी हो गए, इन दोनों में टकराहट शुरू हो जाती थी। इस तरीके से भी शासन में अस्थिरता आती थी, ये यहाँ बताया जा रहा है, शासन में टकराहट आ जाता था जिससे प्रशासन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ एक लाइन बस याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि जियाउद्दीन बरनी किस सदी के इतिहासकार थे, तो 14वीं सदी के या 14वीं शताब्दी के, ये बस बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं। अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, हालांकि एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा लेकिन समझने के स्तर पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो इतना बड़ा सुल्तान है, सल्तनत है इतना बड़ा, इसमें बड़े बड़े सेनानायक रह रहे हैं, सेना बड़ी है, लेकिन युद्ध तो हर समय हो नहीं रहा है। अब युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन सेना को अस्थायी रूप से रखना जरूरी है, क्योंकि कब युद्ध हो जाए कोई इसका ठिकाना नहीं है। तो कैसे रखा जाएगा, तो क्या किया जाता था कि जो सेना नायक होते थे इनको अपने सेना के टुकड़ी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता था और कहा जाता था कि आप उस क्षेत्र में जाइए, वहीं रहिए, वहाँ पर जो है अपने तरीके से काम कीजिए। अभी बताऊँगा कि किस तरीके से। देखिए, तो इन सेना नायकों को इनके टुकड़ियों के साथ जिस क्षेत्र में भेजा जाता था उस क्षेत्र को कहा जाता था इक्ता, ठीक है। और जो इन इक्ता को संभालते थे, यानी जो सेना नायक थे जो उस इक्ता में जाते थे, उनको कहा जाता था इक्तादार या मुक्ति। तो ये दो कीवर्ड ध्यान में आ गया कि एक जमीन के टुकड़ी को या एक क्षेत्र को क्या कहेंगे, इक्ता, और उस इक्ता पर जाने वाले सेना नायक को क्या कहेंगे, इक्तादार या मुक्ति। अब देखिए, इनका क्या काम होता था ये अब यहाँ बताया जा रहा है। मुक्ति का काम होता था यानी इक्तादार का, कि जब भी ज़रूरत पड़े अपने सैनिक को लेके अभियान में जाए, यानी कि अभियान का नेतृत्व करे। इसके अलावा ये जिस क्षेत्र में जा रहे हैं यानी इक्ता वाले क्षेत्र में, वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, उस क्षेत्र से राजस्व इकट्ठित करेंगे और उसी राजस्व से खुद भी अपना काम चलाएंगे और सैनिकों को वेतन भी देंगे। अब देखिए, इन पर नियंत्रण रखने के लिए सुल्तानों ने क्या किया कि कुछ तरीका निकाला, जैसे उनके पद को वंशानुगत नहीं रखा जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आज इस इक्ता के इक्तेदार हैं या मुक्ति हैं तो आपका पुत्र भी इस इक्ता का इक्तेदार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर जो योग्य होगा, जो सक्षम होगा, उसको मैं इक्तेदार बना सकता हूँ। और इसके बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाता था थोड़े थोड़े समय में, एक ही क्षेत्र में अगर कोई एक व्यक्ति रह जाए काफ़ी दिनों तक तो वह काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है। तो इन सब तरीकों से क्या किया जाता था, सेना नायकों पर, इक्तादारों पर यानी कि मुक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता था। अब ये सब जो व्यवस्था थी खलजी और तुगलक वंश के समय बताया जा रहा है कि काफ़ी मतलब टाइट व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छे से इसकी देख रेख की जाती थी, इस नियम को काफ़ी कठोरता से लागू किया जाता था। बताया जा रहा है कि खलजी और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में इस मुक्ति के देख रेख के लिए लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखा अधिकारी क्या करते थे, देखते थे कि जितना कर वसूलने के लिए कहा गया है कहीं ये उससे ज़्यादा तो नहीं वसूल रहे हैं, उसके बाद जितना सैनिक रखने के लिए कहा गया है कहीं इससे ज़्यादा सैनिक तो नहीं रख रहे हैं, यानी कि टोटली ये है कि सुल्तान की तरफ से आदेश जैसा दिया गया है वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने की भी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि जो है अपने मर्जी से एक बार हम इक्ता दे दिए, मुक्ति बना दिए तो अपने मर्जी से काम कर रहा है, ऐसा नहीं था, उन पर काफ़ी अच्छे से नियंत्रण रखा जाता था। अब सुल्तानों के विषय में बताया जा रहा है कि ये लोग दूर दूर के इलाके पर अपना नियंत्रण जमाते थे, यानी कि मान लीजिए दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ रह रहे हैं, बगल में जो है कुछ क्षेत्र था उसे भी हड़प लिया, अब यहाँ से थोड़ा दूर जाकर कुछ क्षेत्र है जो अभी इनके शासन में नहीं है, तब ये क्या करेंगे, ऐसे दूर वाले क्षेत्रों पर जाएंगे, सैनिक अभियान करेंगे और उस पर भी अपना नियंत्रण कर लेंगे। अब मान लीजिए इस नए क्षेत्र पर अपना नियंत्रण किया, वहाँ पहले से कोई छोटा मोटा राजा रहता था, कुछ सामंत रहते होंगे, जमींदार रहते होंगे, तो अब उस सामंत और जमींदारों को इन लोगों ने क्या किया, बेदखल कर दिया, कह दिया कि अब तुम भू राजस्व का निर्धारण या वसूली नहीं करोगे, मेरा आदमी करेगा ये सारा काम, मेरे अधिकारी करेंगे और तुम्हें भी कर चुकाना पड़ेगा, यानी कि उस क्षेत्र के बड़े बड़े जो है जमींदारों को, सामंतों को ये लोग जो है बेदखल कर दिए और अपने जो है तरीके से इन लोगों ने काम किया। जैसे जो भी नए क्षेत्र ये अर्जित करते थे वहाँ की जमीन की पैमाइश करते थे, यानी जमीन को मापते थे, नए नए कर लगाते थे, कर के कुछ प्रकार के विषय में बताया जा रहा है कि तीन तरह के कर थे। पहला कर था कृषि पर लगाया जाता था,
जिसे खराज के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, खराज का मतलब कृषि पर लगाया जाने वाला कर जो उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा कर था मवेशियों पर, तीसरा कर था घरों पर, यानी कि आप घर बनाएंगे तो कर देना होगा, मवेशी रखेंगे तो कर देना होगा, कृषि करेंगे तो कर देना होगा। ये सारी बातें कुछ बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक ये है कि उपमहाद्वीप का क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा है, आप समझ रहे हैं उपमहाद्वीप का क्षेत्र जो है कितना बड़ा है, अब सब पर इनका नियंत्रण नहीं था, मतलब एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जहाँ ये नियंत्रण कर ही नहीं पाते थे। जैसे बंगाल के क्षेत्र पर ये नियंत्रण कर तो लेते थे, लेकिन फिर क्या हो जाता था, वहाँ नियंत्रण काफ़ी कठिन हो जाता था, क्योंकि ये मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, तो बंगाल पर इनका नियंत्रण अच्छा नहीं रह पाता था। इसके अलावा बार बार जो है दक्षिण भारत की तरफ ये जाते थे, लेकिन दक्षिण भारत में भी इनका नियंत्रण हो जाता था, और जैसे ही ये वापस वहाँ से आते थे फिर ये लोग स्वतंत्र हो जाते थे। ऐसे ही मध्य भारत का कुछ इलाका था, जंगली इलाका, जहाँ पर इनका घुसना बहुत ही मतलब असंभव हो जाता था। कभी कभार ज़बरदस्ती ये जंगली इलाके में घुसकर वहाँ अपना अधिकार कर भी लेते थे, तो वहाँ ज़्यादा समय तक ये टिक नहीं पाते थे, कुछ ही समय में वहाँ के जंगली जो लोग होते थे फिर से स्वतंत्र हो जाते थे, अलग हो जाते थे। ये बातें यहाँ बताई जा रही है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक यात्री है इब्न बबूता, उसके विषय में बस इतना पूछ सकता है कि किस सदी में और कहाँ से आया, तो अफ्रीकी देश है मोरक्को, वहाँ से 14वीं सदी में भारत आया था इब्न बबूता, इतना बस ध्यान रखिएगा। उसने कुछ बातें लिखी है कि सरदार कैसे रहते थे, किले बनवाते थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं चंगेज़ खान के जो है आक्रमण के विषय में। देखिए, चंगेज़ खान के नेतृत्व में जो मंगोल लोग थे, उन लोगों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में एक ट्रांस ऑक्सियाना जो आज का उज्बेकिस्तान देश है, वहाँ ने क्या किया, हमला किया, यानी चंगेज़ खान ने हमला किया, और चंगेज़ खान के साथ मंगोल के सैनिक थे। अब ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के बाद, उसे लूटने के बाद, इनको ध्यान आ गया उपमहाद्वीप के विषय में, भारत के विषय में, तो उन्होंने क्या किया, यानी चंगेज़ खान ने क्या किया, भारत पर भी आक्रमण कर दिया। और उस समय 1219 के बाद का समय क्या है, सल्तनत का समय है, तो दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल, मतलब इन दोनों के शासनकाल में चंगेज़ खान ने बार बार आक्रमण किया, कहाँ, मंगोलों ने आक्रमण किया भारत पर, इस उपमहाद्वीप पर। मजबूर होकर इन दोनों शासकों ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने कुछ उपाय किए कि कैसे हम मंगोलों के आक्रमण से बच सकते हैं। उपाय के रूप में इन लोगों ने एक बहुत बड़ी स्थानीय सेना खड़ी की। अब देखिए, कोई भी शासक बहुत बड़ी स्थानीय सेना अगर खड़ा करेगा तो उसको समस्या क्या आएगी कि इसकी देख रेख या इसके रख रखाव का खर्च कहाँ से आए। सेना को रखने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, खर्च की ज़रूरत होती है। तो आइए आगे हम लोग यहीं पढ़ते हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ी सेना बनाई और उसकी देख रेख की। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पर दो बार हमले हुए, 1299 से 1300 के बीच और 1302 से 1303 के बीच। इनका सामना किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इनके सामना के लिए इन्होंने एक अस्थायी सेना खड़ी की थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, यानी कि जब इन्होंने एक बड़ी सैनिक बनाई तो इन्होंने क्या किया, उनके रहने के लिए एक नया किला बनवाया, नया जगह बनवाया सिरी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया, यानी कि बड़ी सैनिक रखेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक है तो चाहिए कि उसके खाने के लिए पैदावार, तो कहाँ से इन्होंने किया, गंगा यमुना के दुआब के क्षेत्रों में चूँकि खेती बहुत अच्छी थी तो वहाँ से इन्होंने खराज कर लगाया। खराज का मतलब क्या होता था कि किसानों के पैदावार पर 50% हिस्सा, तो ये कर लगाकर इन्होंने ऐसी समस्या का हल किया। उसके बाद सैनिकों को वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सैनिकों को कहाँ भेज दिया जाता था, एकता में, इक्तदार बनाकर, मुक्ति बनाकर। अब उन्होंने वो व्यवस्था खत्म कर दी, कहा कि हम आपको नगद में देंगे, कैश में देंगे। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी
कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। यानी कि सैनिक लोग अच्छे से रह सके, अपना साजो सामान खरीद सके, अपना जीवन अच्छे से चला सके, इसके लिए इन्होंने काफ़ी व्यवस्था की। बाजार व्यवस्था के विषय में बताया जा रहा है कि बाजार नियंत्रण किया गया, यानी कि बाजार में कोई व्यापारी ऐसा ना हो कि अपने मन मर्जी से कोई सामान बेचे। अगर मन मर्जी के हिसाब से बेचेगा तो क्या होगा, सैनिक अपना जो है अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो सैनिकों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बाजार पर काफ़ी अच्छे से नियंत्रण किया। अधिकारी होता था, अधिकारी जाकर यह सर्वेक्षण करता था कि व्यापारी कहीं कोई परेशानी तो नहीं कर रहा, गलत काम तो नहीं कर रहा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। तो ये कुछ बातें थी अलाउद्दीन के विषय में। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद तुगलक के विषय में, इसने क्या किया मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई, यानी कि मंगोलों को इसने क्या किया, हरा दिया। इसके पास काफ़ी सेना थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब देखिए, ये जो मोहम्मद तुगलक थे इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। इसने एक बार मंगोलों को हरा दिया तब ये रुके नहीं, ये सोचने लगे कि अब आगे बढ़कर उसके प्रदेश में घुसकर उसी को हरा देते हैं, ऐसा इन्होंने योजना बनाई। अब यहाँ जो 3-4 पॉइंट दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाले को पढ़ते हैं, उसी से सब पता चल जाएगा। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाया गया प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि ये योजना तो बहुत अच्छी बनाते थे, बहुत दूर तक बनाते थे, लेकिन हर चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं बनाते थे, इसलिए इनकी योजना असफल हो जाती थी। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे काफ़ी परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग काफ़ी नाराज़ थे। अब देखिए क्या हुआ, सैनिकों के रहने के लिए इसने जो है दिल्ली का मेन क्षेत्र ले लिया और वहाँ जो लोग रह रहे थे उनको एक अलग जगह दे दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि सैनिकों को आप वहाँ भेज दो एक अलग क्षेत्र में। तो ये सारी कुछ परेशानियाँ हुई। उसके बाद करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेना पड़ा। इसने काफ़ी नई नई बातें की, जैसे इसने क्या किया कि लोगों से अधिक कर वसूलने लगा कि हमें सेना रखनी है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। उसी समय गंगा यमुना के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, जहां जो काफ़ी पैदावार वाला क्षेत्र था। तो कुछ ऐसे प्राकृतिक काम भी हुए जो इसके आप कह सकते हैं प्रशासन को या इसके योजना को विफल कर दिए। इसने एक टोकन मुद्रा भी चलाई थी लेकिन लोगों को टोकन मुद्रा पर उतना भरोसा नहीं था उस समय। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं मोहम्मद तुगलक के विषय में कि कैसे इसका कदम फेल हो गया। अंत में आप दोनों को पढ़ने के बाद एक बात आप सोच सकते हैं कि कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं था इतिहास में जिसने मंगोलों पर उल्टा आक्रमण करने की योजना बनाई थी। सिर्फ मोहम्मद तुगलक ही ऐसा था जिसने क्या सोचा कि हम मंगोलों के क्षेत्र में घुसकर उस पर आक्रमण करेंगे, यानी कि उस अभियान की योजना बनाई थी। तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला टॉपिक है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की क्या स्थिति थी उसके विषय में। तो आप जानते ही हैं कि सल्तनत काल के अंतिम समय में सल्तनत जो है काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। 1526 तक बताया जा रहा है कि दिल्ली पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा और उस समय क्षेत्रीय राजा काफ़ी उभर गए थे, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत। यहाँ के शासक क्या हो गए, फिर से एक तरीके से स्वतंत्र हो गए, उनकी राजधानियाँ समृद्ध होने लगी, नए नए जो है राजा उभरने लगे थे, ये बात बताई जा रही है। आगे जाकर बताया जा रहा है क्षेत्रीय शासन के विषय में, शेरशाह सूरी के विषय में। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। इस विषय में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार किया, उसने अपना राजवंश स्थापित किया, लेकिन उसने कुल 15 वर्ष तक 1540 से 1555 तक अपना शासन किया।
उसके विषय में बताया जा रहा है कि शेरशाह सूरी जब दिल्ली पर शासन कर रहा था तो उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए बाजार के नियम को अपनाया और अपने प्रशासन को काफ़ी चुस्त किया। महान सम्राट जो अकबर थे उनके विषय में भी बताया जा रहा है कि जब 1556 से 1605 के बीच में उन्होंने शासन किया तो उसने शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया, यानी कि शेरशाह सूरी उनके क्या थे, एक तरीके से विरोधी थे, फिर भी उसके अच्छे कामों को ध्यान में रखकर उन्होंने उसके प्रशासनिक व्यवस्था को अपने प्रशासन में अपनाया था। ये कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं, हालांकि अगले चैप्टर में हम लोग शेरशाह सूरी के विषय में भी पढ़ेंगे, अकबर के विषय में भी पढ़ेंगे। यहाँ अंत में तीन श्रेणियों के विषय में बताया गया है। तीन श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो पहला श्रेणी है प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा श्रेणी है युद्ध करने वाला वर्ग, युद्ध करने का मतलब जो योद्धा होते थे उन्हें नाइट भी कहा गया, और तीसरी श्रेणी थी खेती करने वाला वर्ग यानी किसान। अब देखिए आपको यहाँ एक चीज़ पढ़ना है कि ईसाई धर्म में इन तीन श्रेणियों को जो है काफ़ी महत्व दिया गया। यह सूत्र सबसे पहले फ्रांस में उभरा था। प्रार्थना करने वाला वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जो समूह थे प्रार्थना करने वाले थे जो चर्च में रहते थे, दूसरा वर्ग हुआ युद्ध करने वाला जो योद्धा होता था, और तीसरा तो आप समझ रहे हैं किसान। अब क्या था कि युद्ध करने वाले समूह में योद्धा काफ़ी जो है मजबूत होते थे, काफ़ी जो है बलशाली होते थे, ये लोग कभी कभी आपस में भी लड़ जाते थे। अब ये जो प्रार्थना करने वाला समूह है जो है चर्च में रह रहा है, वह सोचता था कि इन योद्धाओं के बल को हम कहाँ उपयोग में ला लें जब मुस्लिम लोगों से हमारी लड़ाई हो रही है। तो योद्धाओं को भेजा गया मुस्लिम लोगों से लड़ाई करने के लिए, उसने लड़ाई में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और बताया जा रहा है कि एक धर्म युद्ध हुआ जो मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में लड़ा गया, उसे जो है क्रूसेड के नाम से जाना गया। ये कुछ बातें यहाँ बताई जा रही है। आगे चलकर इन योद्धाओं को काफ़ी जो है अच्छे स्तर पर देखा गया, कुलीन के रूप में ये सामने आ गए। ये थोड़ी बहुत कुछ जानकारी थी, ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिससे पता चले कि हम लोगों ने कैसे पढ़ा है। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की, तो तोमर राजपूतों ने की थी, आपने देखा ही। अगला है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा, तो फारसी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, आप कह सकते हैं मोहम्मद तुगलक। इब्न बबूता किस देश से भारत आया था, अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। आगे है न्याय चक्र के विषय में बताना है, न्याय चक्र क्या होता है, तो न्याय चक्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राजा को सैनिक की ज़रूरत है, सैनिक को वेतन की ज़रूरत है, वेतन किसान से मिलेगा, तो किसान खुशहाल रहे ऐसी व्यवस्था जिस राज्य में किया जाए उसे ही कहते हैं न्याय चक्र। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा का मतलब क्या है, तो भीतरी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जिस प्रदेश में जिस शहर में वह रह रहा है वहाँ व्यवस्था को अच्छा करना, यह है भीतरी सीमा, और उस प्रदेश से बाहर निकलना यह है बाहरी सीमा। अब आप इसे चाहे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, आपके विचार में सुल्तानों के आदेश का उल्लंघन करना चाहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब देखिए मुक्तियों पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया था, कहा गया था कि आपका पद वंशानुगत नहीं होगा। उसके बाद लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जो यह देखते थे कि यह तय संख्या में सैनिक रख रहे हैं या नहीं, उतना ही राजस्व वसूल रहे हैं या नहीं। अब इन पर नियंत्रण इसलिए रखा जाता था कि अगर ये बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि बगावत कर देंगे। दिल्ली सुल्तान पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो मंगोल आक्रमण का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे एक अलग प्रभाव के विषय में आप बता सकते हैं कि दिल्ली सुल्तानों ने अस्थाई सेना रखनी शुरू कर दी, बड़ी सेना रखनी शुरू कर दी। यहाँ अपना चैप्टर समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर्स की बात करेंगे, तो फिलहाल बने रहिए साथ में। बहुत जल्द NCERT को हम लोग एक एक करके आपके एग्जाम से पहले ख़त्म कर लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।